आप मुझसे जो सवाल करेंगे मैं उसके हिसाब से जवाब दूंगा। मैंने जो बातें की हैं मुझे पीटीआई के हवाले से बात की तो मैंने पीटीआई नहीं, उन्होंने कहा कि आप शायद पीटीआई की ज्यादा मुखालफत कर रहे हैं। नहीं बात सर, मैं तो इकोनॉमी, मेरा सवाल सुन ले सर, मेरा सवाल सुन ले सर। 2013 से लेकर 18 में कितने कर्जे लिए गए और क्या इस्तेमाल किया गया, और आप उस सड़कों पे सफर करते हैं आपको नजर नहीं आ रही, आपको लोड शेडिंग नहीं है, आपको नजर नहीं आ रही फर्क दोनों की खराब रही है, किसी एक की बेहतर तो दूर की बात है। कंपैरिजन करें ना, तो कंपैरिजन करें, कंपैरिजन कर रहे सारे तीन साल जो चार साल कितने करते उन्होंने लिए, कितने करते उन्होंने लिए, उन्होंने कितनी जीडीपी छोड़ी, उन्होंने कितनी जीडीपी किलोमीटर सड़क भी नहीं बनी। दो अल्फाज में बोल रहा हूँ तो आप यहाँ से शुरू हो जाते हैं तो मैं बोलूँ कैसे। देखे साढ़े तीन साल चार साल जो भी गवर्नमेंट की बदतरीन तरीन गवर्नमेंट थी, कोई गवर्नमेंट, कोई रूल्स, कोई सिस्टम, कोई इकोनॉमिकली या पाकिस्तान की कोई तरक्की नहीं हुई। ये इनकी गवर्नमेंट, मेरी राय भी तो यही है, इनको मिले सवा साल ये जो के कराए थे एक बार भी जो अभी इनको जो गवर्नमेंट मिली सवा साल की, एक बात भी इन्होंने पूरी नहीं की। एक बात भी बोलते क्या थे, करते कुछ थे। इनका जो मेन मकसद था कि हम भाई अपने केस खत्म करवा लो, बाकी पाकिस्तान का क्या होता है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बताएं जो मुल्क को कुछ देने के लिए आए हों, कुछ काम करने के लिए आए हों, उनकी क्या 90-90 लोगों की कैबिनेट होती है, इतने सारे मिनिस्टर होते हैं। इन लोगों ने इनकी आपस की लड़ाई थोड़े दिनों में हमने देखा था। मुझे बताएं जब एक से भाई बोलने थे मुझे, देखो जब इनकी गवर्नमेंट आई थी तो इनका मिफ्ता इस्माइल जो फैसले कर रहा था, इनके ही मिनिस्टर थे ना, ये आपस में भी एक दूसरे के नहीं है, यहाँ पर में एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान का नुकसान कितना होगा। मुफ्ता इस्माइल किसका मिनिस्टर था, नून लीग का, ऐसा डर किन के थे, नून लीग के थे। ये आपस में लड़ रहे थे कि मुझे चांस दो। जो अपने अपने अपनी पार्टी के अंदर लड़ते हैं, जो अपने अपनी सीटों के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे पे, मुझे लगा मुफ्ता इस्माइल की पॉलिसी में क्या खराबी थी, कुछ भी नहीं थी। उस वक्त के जो डिसीजन लेने था वो ले रहे थे, इन्होंने करने थी। ये तो खुद जो अपनी पार्टी में जो एक नहीं है, जो अपनी पार्टी में नहीं है, वो मुल्क के लिए क्या डिलीवर करेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आती कि हम तो सियासतदानों के बारे में बात ही बेकार को करते हैं। ये बेचारे खुद के भी नहीं है, खुद के भी नहीं है। कहूंगा जो उन्होंने सिराजुल हक साहब की बात की, तो सर सिराजुल हक साहब इनको बुरे इसलिए लगते हैं कि उन्होंने 1800 अरब डॉलर की करप्शन की पूरी लिस्ट बयान की है कि किसने कितने की करप्शन की है। वो लिस्ट उनके ये चीज बताए, ये करप्शन के बगैर रह भी नहीं सकते, सिंपल सी बात है। आप बताएं मुझे एक पार्टी पाकिस्तान में बताएं जो अपने कैंडिडेट का खर्चा खुद उठाती है, जब कैंडिडेट खुद ही करोड़े 20 करोड़ 50 करोड़ खर्चा करेगा, वो करप्शन ही करेगा ना, तो आप कैसे कैंडिडेट कोई लाते हो। मैं आपको पार्टी का नाम बताता हूँ ना, 25-25 करोड़ खुशी की बात है कि एक पार्टी है, जो कैंडिडेट 25-25-30-30 करोड़ खर्चा करेगा, फिर आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो करप्शन नहीं करेंगे। वो आते इसीलिए अपने बिजनेस को डिफेंड करने के लिए, ठीक है। उम्मीद के साथ कि मेरा उच्च आदाबाद रहे, मुझे साजू सिर्फ इजाजत दीजिए, मुलाकात के लिए।